शुक्रवार को जनपद में जिला अस्पताल सहित 188 केंद्रों पर कुल 21,235 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,584 और सेकेंड डोज लेने वालों में 16,651 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में जिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय, बीआरडी मेडिकल कॉलेज सहित कुल 188 केंद्र पर कोविड का वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने कहा कि शनिवार से टीकाकरण में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जनपद में 33,06,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है, जिसमें 23,65,000 पहला डोज तथा 9,41,000 दूसरा डोज शामिल है। सीएमओ ने बताया कि नगर निगम में सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ लोगों ने पहला डोज भी नहीं लगवाया है। उन सभी नागरिकों से अपील है कि वे वैक्सीनेशन अवश्य करवा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 188 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक हमने 33,06,000 टोटल डोज दे चुके हैं, उसमें से 23,65,000 फर्स्ट डोज और 9,41,000 सेकंड डोज दिया गया है। आज हमारे जनपद में जिला अस्पताल, महिला पुरुष, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, नगर निगम में तो सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक वैक्सीनेशन चलता है, और बाकी हमारी सीएससी पीएससी पर सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक वैक्सीनेशन चलता है। अभी तक हमारे जनपद में बहुत सारे लोग कोविड पहला डोज से ही वंचित हैं। हमें सबसे अपील है कि जिन लोगों ने भी एक भी डोज नहीं लगवाया है या जिनका सेकेंड डोज पूरा हो चुका, सेकेंड डोज का ड्यू पूरा हो चुका है, वो हमारे सेंटरों पर आएँ जहाँ निःशुल्क टीकाकरण हो रहा है, और अपना टीकाकरण कराएं और अपने को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लें।